नमस्ते भाइयों, आज हम बात करेंगे समूह लोन के बारे में। समूह लोन वाले मैंने देखा है, जब वो लोन देते हैं तो बोलते हैं 1 भी रुपये ब्याज नहीं देना पड़ेगा, और वो ऐसे ऐसे लोगों को लोन देते हैं जो कि चुका नहीं पाते। वो जानबूझ के वैसे लोगों को लोन देते हैं ताकि वो चुका ना पाए, फिर वो उसके बदले में उनके पास जो ज़मीन होती है या तो और कोई गाड़ी या तो और कोई महंगी चीज़ हो उसको वो लोग उठाने के लिए आ जाते हैं लेने के लिए। और वो जानबूझ के जो एकदम नीचे वाले आदमी हैं, जो एकदम कमज़ोर लोग हैं, जो एकदम गरीब हैं, उनको वो लोन देते हैं। और मैं उनसे सवाल पूछना चाहता हूँ कि वो जो लोन का पैसा जो है उनके पास में, वो पैसा उनके पास कहाँ से आया है? क्योंकि तो अभी मुझे जनता सरकार मोर्चा के माध्यम से ये पता लगा है कि सरकार नकली नोट छाप रही है। सरकार जो है नकली नोट ऐसे छाप रही है कि आप समझो पहले नियम था, जितना भी सोना होगा आरबीआई के पास उतना ही नोट छाप सकते हैं, लेकिन इन्होंने चाल चल के लोगों को मूर्ख बना के, पागल बना के ऐसा नियम अब लेके आ चुके हैं ये कि बिना सोना रखे भी अपने पास ये नोट छाप सकते हैं। और ये जो भी नियम बनाते हैं हमसे पूछ के, तो कोई नियम बनाते नहीं हैं, सीधे हमारे ऊपर अपने नियमों को थोप देते हैं। और आपको शायद पता ना हो, या पता भी हो तो बता दूं कि भारत में आज भी अंग्रेज़ों के कानून लागू हैं। बहुत सारे कानून ऐसे हैं जो कि अंग्रेज़ों के थे और अभी भी लागू है। ये हमसे सिर्फ मीठी मीठी बातें बोलते हैं कि देश आज़ाद हो चुका है, लेकिन फिर भी आज भी ये अंग्रेज़ों की गुलामी में लगे हुए हैं नेता लोग। जो अंग्रेज़ वहाँ से ऑर्डर दे देते हैं ये उसको मान के उसके काम करने लग जाते हैं। बहुत सारी बातें हैं बताने के लिए, लेकिन लोन के मामले में अगर मैं आपको बता दूं कि आपने चाहे जितना भी बड़ा लोन ले रखा हो, अगर आप उस लोन को चुका नहीं पा रहे हो तो जनता सरकार मोर्चा से संपर्क कर सकते हैं आप, और वो आपका सारा लोन चुकाएंगे। ये नहीं कि वो माफ़ करवाएंगे, वो आपका लोन चुकाएंगे और वैध रुपयों में चुकाएंगे। क्योंकि तो ये जो सरकार जो है नकली नोट छाप छाप के, बेहिसाब नकली नोट छाप के आपकी असली ज़मीन ले लेते हैं। बहुत सारे लोगों की ज़मीनें बिक चुकी है, और जो भी लोग बाहर में काम करने आते हैं, यूपी बिहार चाहे जहाँ से भी आते हों, उन सब की ज़मीनें बिक चुकी है, इसीलिए वो बाहर आते हैं कमाने। अगर जिनके पास में ज़मीन होती है वो लोग भी, उनके पास में इतना बुद्धि नहीं है, क्योंकि इन लोगों ने ही तो उनको अनपढ़ रखा ना। सिलेबस तो यही लोग बनाते हैं, इन्हीं लोगों ने उनको अनपढ़ रखा जानबूझ के, ताकि उन्हें कुछ भी मालूम ना हो और वो अपनी ज़मीनें बेचने के लिए मजबूर हो जाएं जब उनको पैसा ना मिले तो। और अंग्रेज़ों का सारा सिस्टम लागू हो चुका है, अंग्रेज़ चाहते हैं कि इनकी सारी ज़मीन हमारे पास आ जाए बैंकों के माध्यम से। और आज देख सकते हो आप, इतने सारे लोन मिल रहे हैं, आधार कार्ड पे लोन, हर चीज़ पे लोन मिल जा रहा है। फ़ोन करो, लोन ले लो, लोन ले लो, लोन ले लो, बस क्योंकि इनके पास में नोट छापने की मशीनें हैं। और CBDC जो ऑनलाइन पैसा वाला है, उसमें तो खाली इनको डिजिट लिखना पड़ता है बस। CBDC में क्या होता है, उसके पैसे का क्या वैल्यू है कोई नहीं जानता। ऑनलाइन पैसा जो होता है उसमें तो खाली नंबर ही तो लिखे रहते हैं ना, जब तक पैसे के पीछे सोना नहीं रखा रहेगा तब तक वो नकली ही है। और अब भाई तुम्हें वहम हो और हिम्मत ना हो तो ऐसे चुपचाप बैठे रहो। मैं जानता हूँ कि भारत में 90% लोग ऐसे हो चुके हैं जिनके पास हिम्मत नहीं है, नपुंसक जैसी ज़िंदगी जीने के लिए मजबूर हैं। अगर आपके अंदर भी थोड़ी सी वीरता बची हो तो अपने बच्चों के लिए आवाज़ उठाएं, और ये आपको ऐसा दबा के मारेंगे आपको कि आपके पास में कुछ नहीं बचेगा। ये लोग आपको लूट लेंगे।